होगा फिल्म में फीमेल लीड का रोल? क्या आज के वक्त के हिसाब से बदलेगी फिल्म की कहानी? क्या फिल्म होगी किसी हॉलीवुड या साउथ मूवी से इंस्पायर? नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी होस्ट और दोस्तों जी आपका स्वागत करती हूं आपके ही पसंदीदा चैनल पॉलीग्राफ स्टूडियोज में। जब भी हम कोई हिंदी क्लासिक फिल्म देखते हैं तो उसमें फिल्म की लीडिंग लेडी या तो हमें सिर्फ हीरो के साथ रोमांस करती नजर आएगी या तो उसका किरदार अबला दिखाया जाएगा जिसकी मदद हीरो आकर करता है, और या तो कभी कभी ऐसा लगता है कि फिल्म में उन्हें सिर्फ फिल्म का ग्लैमर बढ़ाने के लिए ही रखा गया है। लेकिन आजकल के ज़माने के साथ साथ फिल्म इंडस्ट्री भी बदल गई है और फिल्म में एक फीमेल किरदार को अच्छी तरह से पोर्ट्रे किया जाता है और साथ ही कई बार तो उन्हीं की कहानी दिखाई जाती है, जैसे कि क्वीन, पिंक, कहानी, मैरी कॉम, मर्दानी, पद्मावत, दंगल और थप्पड़ जैसी फिल्में तो आपने देखी ही होंगी। साथ ही हर फिल्म में उन्हें सिर्फ रोमांस और ग्लैमर के लिए नहीं रखा जाता बल्कि उनके किरदार को भी एक अच्छी खासी अहमियत दी जाती है। अब ऐसा ही कुछ हमें बलवान के रीमेक में नजर आने वाला है। बलवान सुनील शेट्टी की डेब्यू फिल्म थी जिसमें उन्होंने एक पुलिस वाले का रोल प्ले किया था और दिव्या भारती जी उस फिल्म में लीडिंग एक्ट्रेस थी, और एज यूजुअल उनका किरदार कुछ खास डीप नहीं था। लेकिन अब ऐसा माना जा रहा है कि इस फिल्म की कहानी आज के दौर की होगी और इस फिल्म में हमें वुमेन एम्पावरमेंट नजर आ सकती है। किसी वुमेन राइट रिलेटेड टॉपिक पर ही फिल्म बनाई जा सकती है। आजकल मी टू केसेस वाले केसेस ने फिर से जोर पकड़ा है और इससे रिलेटेड बॉलीवुड में कोई भी फिल्म नहीं बनी है, तो हो सकता है कि इस टॉपिक को इस फिल्म में दिखाया जाए और उसकी इन्वेस्टिगेशन में हमें सुनील शेट्टी एक पुलिस वाले या फिर डिटेक्टिव के किरदार में नजर आए जो उस लड़की को जस्टिस दिलाने में मदद करते हैं। अगर ऐसा होता है तो इस फिल्म में हमें एक्शन और इमोशंस दोनों ही काफी दिखने वाला है। या फिर आजकल बॉलीवुड में चल रहे हॉलीवुड और साउथ फिल्म पर इंस्पायर्ड फिल्में बनाने का ट्रेंड को फॉलो करते हुए ये फिल्म भी किसी साउथ या हॉलीवुड फिल्म पर बेस्ड हो सकती है, जैसे कि साउथ मूवी 22 फीमेल कोतियाम और यू टर्न वुमेन सेंट्रिक फिल्में हैं, या हॉलीवुड की गॉन विद द विंड या हिडन फिगर्स जैसी फिल्मों पर बेस्ड कोई फिल्म बनाई जा सकती है जो आजकल की जनरेशन देखना काफ़ी पसंद करेगी। क्या आपको भी वुमेन सेंट्रिक फिल्में देखना पसंद है? ये हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। और उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा, और ऐसे ही कुछ बॉलीवुड की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।